अभी अभी अध्यक्ष जी ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हमको किया है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है कि जो हमारे छात्रों के जीवन को एक नई दिशा देता है। कुछ समय तक मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला और मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में संघर्ष और दृढ़ता के साथ आंदोलन, इस प्रकार के जो मूल्य है, उन मूल्यों को मैंने विद्यार्थी परिषद में सीखा। और मुझे याद है विद्यापीठ में तो कई आंदोलन होते थे, लेकिन उस समय जब कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराना करीब नामुमकिन होता था और भारत के उस समय के नेता भी लाल चौक पर तिरंगा लगाने की बात नहीं करते थे, ऐसे समय विद्यार्थी परिषद ने यह प्रण किया कि कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे और हम जाकर लहराएंगे। और उस समय उस आंदोलन में सम्मिलित होने का मौका भी मिला और 18-19 साल की उम्र में मैं ऐसा मानता हूं कि उस आंदोलन ने जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसके बाद तो मुझे याद है कि कुछ समय पश्चात हमारे सुनील अंबेकर जी यहाँ पर है, सुनील जी हमारे मार्गदर्शक थे और मुझे आज भी याद है कि हमारे नागपुर में जो संगम चाल में हमारा एक कार्यालय हुआ करता था उसके सामने एक शाम को फुटपाथ पर बैठकर हम लोग गप्पे मार रहे थे और सुनील जी आए और सुनील जी ने कहा कि देवेंद्र तुमको एक बात कहनी है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा ऐसा निर्णय हुआ है कि कल से तुमको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। तो मैंने उस समय सुनील जी को कहा कि मैं तो करना ही नहीं चाहता, मैं राजनीति में जाना ही नहीं चाहता। सुनील जी ने मुझे कहा कि देखो अपने यहाँ तो जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, लेकिन आपको कुछ कहना है तो आप विलास जी फडणवीस के यहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए। और मैं उनके यहाँ गया और उस दिन से मेरा विद्यार्थी परिषद का सफर समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सफर शुरू हुआ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि नेतृत्व के जो गुण है, इन गुणों का विकास जो भी मेरे व्यक्तित्व में हो पाया वो निश्चित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण हो पाया। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐसा फोरम है कि जहां सामान्य व्यक्ति, सामान्य लड़का जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसा लड़का भी या ऐसी लड़की भी जब विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आती है तो यहाँ पर एक कार्य पद्धति है जिसको हम अपनाते हैं, जिससे टीम में काम करने की एक क्षमता निर्माण होती है। हम में से ही कोई बहुत ही सामान्य दिखने वाला अचानक उसके नेतृत्व गुण हमको दिखाई पड़ते हैं, वो हमको लीड करता है और एक बहुत अच्छा संगठन तैयार होता है और हम में भी एक संगठन में काम करने की क्षमता तैयार होती है। इसलिए ये जो सारे नेतृत्व गुण किसी भी व्यक्ति को आवश्यक है, उनको तैयार करने का काम ये विद्यार्थी परिषद ने सालों तक किया है।